Question number 609, what is the answer? So 5 upon 16. 5 upon 16, so you all verify the rule. Yes, sir. ठीक है फिर सर यूं कह दिया 516 क्वेश्चन नंबर 610 ये हमारे पास इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक मॉड ऑफ x2 माइनस x dx बताइए भाई इसमें क्या करें कहां ब्रेक करें जरूरी थोड़ी है जो ब्रेक कर रहा है अगर आप रहे दिमाग में नहीं है मतलब कॉर्नर 2 के बीच में आपने 1.5 दिया पॉइंट 1.5 आप इसके अंदर कोई 1.5 का क्यूब माने 2.5 कैसा आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव बस यानी 1.2 के बीच में एक बार पॉजिटिव होगा मॉड हटाइए इंटीग्रेट करिए खाली आंसर खत्म हो चुका क्या करना है बताइए क्या आंसर आया सर वन बाय टू क्या बेटा क्या बोले सर वन बाय टू वन बाय फोर वेरीफाई करो मेरे को यार इनका आंसर वन बाय फोर आ रहा है आपके गुप्ता कह रहे वन बाय फोर क्या आंसर आया भाई सानिध्य सिंह सानिध्य कुछ नहीं बोलता सर क्या सानिध्य क्लास में नहीं हो नहीं है अब नहीं क्या आंसर आया सर 9/4 आ रहा है 9/4 आ रहा है Yes sir, 9 by 4. Yes sir. Yes sir. भारतीय गुप्ता तुमने इतना गलत आंसर क्यों निकाल दिया? 9/4 is the answer. Next, 611 के लिए minus 5 से 5 तक mod of x plus 2. अब यार mod किस point पे define है? Minus 2. Minus 2 पर. उसकी दो वैल्यू होंगी पॉजिटिव x प्लस 2 और नेगेटिव x प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 पर लेस देन माइनस 2 पर इंटीग्रेशन माइनस 2 पे ब्रेक कर दीजिए माइनस 5 से माइनस 2 प्लस माइनस 2 से 5 माइनस 5 से माइनस 2 पर तो माइनस 5 से ज्यादा माइनस 2 से कम कम पर वैल्यू नेगेटिव x प्लस 2 और माइनस 2 से ज्यादा पर वैल्यू प्लस की x प्लस 2 इंटीग्रेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा
इस स्टैंडर्ड 1630 क्वेश्चन कॉपी कर ली, जल्दी से मैं स्टैंडर्ड 16 को डिस्कस करूंगा, बाकी होमवर्क में रहेंगे। नोट कर लिया सर? यस सर। ठीक है, स्टैंडर्ड 16 कर लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे ट्राई। स्टैंडर्ड 16 हमारे पास फंक्शन दे रखा है fx equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 और इंटीग्रेशन दिया है 1 से 4 तक fx dx। देखो 1 और 4 के बीच में कहां प्लेन होगा, ये देखो ये वाला पॉइंट किस पे डिफाइन है, 1 ये 2 पर और ये 3 पर, तो ये कहां है 1 2 और 3। ठीक है, हम लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे, 1 3 2 तक प्लस 2 से 3 तक प्लस 3 से 4 तक, इसमें से ब्रेक कर दिया आपने। अब मान लो 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट या 1.5, तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 फिर नेगेटिव। ठीक है, 2 से 3 के बीच में मान लो लिया 2.5, तो 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 फिर पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 फिर नेगेटिव। 3 से 4 के बीच में मान लिया 3.5, तो तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे। कितना आगे हमारे पास ही x एक्सटेंशन माइनस x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 1 से लेके 2 तक माइनस x plus 4, 2 से 3 तक x, x cancel to x, minus 1 minus 2, minus 3 plus 3 सिर्फ x बचेगा, और 3 से 4 तक 3x minus 6, पर ये इंटीग्रेट चीजों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 19/2। समझ में आ गई बात?
पूरा कर लेंगे इसको? यस सर, यस सर। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड चैप्टर आपका ये, बस कल एनसीईआरटी लेकर और बैठिएगा, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस कराए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इसके मैं मॉड्यूल आपको दे दूंगा, उसे 5-10 क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव रूल लगाते रहना। ऑब्जेक्टिव पे इस चैप्टर में ज्यादा फोकस मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि बस पास के क्वेश्चन इस चैप्टर में जनरेट होते नहीं है ज्यादा, ठीक है भाई? यस सर, ठीक है ना, चलो पावर डाउन करते हैं। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।